सो गाइस मैं कहना में फाइनली एक न्यू प्रोग्रेस पाथ आने वाला है एंड उसमें क्या होगा कैसा होगा सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखते रहना। सो चलो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो गाइस अपना अभी का जो करंट है प्रोग्रेस पाथ है ना गेम का, उसमें से मैक्स एंड वेपन्स को हटा दिया जाएगा। यस गाइस उसमें से मैक्स ऑन वेपन्स आपको नहीं मिलेंगे, उसमें से सिर्फ आपको आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाओगे, समझ रहे हो, मतलब क्रिएट्स हो गए और क्रेडिट्स हो गए, ए कॉइंस थोड़े बहुत हो गए, यही सब मिलेंगे अभी वाले प्रोग्रेस पाथ में से आपको अपडेट के बाद। एंड इसके जगह एक नया प्रोग्रेस पाथ आएगा, नया प्रोग्रेस सिस्टम, जिसमें आपको मैक्स एंड वेपन्स दिए जाएंगे। बट गाइज ये जो नया प्रोग्रेस सिस्टम है इसमें सारे वेपन्स और मैक्स को टीयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहूँ तो इनको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे वन टीयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेजेस रहेंगे जिसमें आपको वेपन्स डिवाइड करके मिलेंगे। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टीयर टू, इसमें आपको इतने मैक्स मिलेंगे। एंड जो दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो इसमें देख सकते हो कि इसमें टीयर टू पे आपको कौन से वेपन्स मिलने वाले, ठीक है। ऐसे वेपन और मैक्स डिवाइडेड रहेंगे लेकिन टीयर सेम होगा ऑब्वियसली। गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक स्टेज मतलब एक टीयर से दूसरे टीयर में कैसे जा पाओगे। सिंपल सा फंडा है गाइज, जब भी आप एक टीयर अनलॉक करोगे ना कोई भी, तो उसमें आपको एक गोल दे देगी ये लोग कि इतने स्टार्स इकट्ठे करो। मान लो टीयर टू में है तो आपको कहेंगे 10 स्टार इकट्ठे करो तभी आप टीयर थ्री में जा पाओगे। और ये स्टार्स क्या होते हैं गाइज, जब भी आप मैक्स को अपग्रेड करते हो या वेपन्स को अपग्रेड करते हो, रैंक अपग्रेड करते हो, तो आपको स्टार्स मिलते हैं कि नहीं। यस गाइज ये वही वाले रैंक स्टार्स कलेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है, काउंट हो गए। तो मान लो आपको ना अगर टीयर टू से टीयर थ्री में जाना है तो आपको 10 स्टार इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब आप लोग कहोगे 10 रैंक अपग्रेड तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, नहीं गाइज। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपने स्लिंग शॉट अनलॉक किया टीयर टू में जो कि ऑलरेडी 3 स्टार का था, तो उसको अनलॉक करते ही आपका जो 10 स्टार का गोल था ना गाइज उसमें 3 काउंट हो जाएगा, ठीक है, 3 काउंट हो जाएगा। फिर आप जितने भी मैक्स और वेपन्स अनलॉक करोगे टीयर टू में, वो पहले जितने स्टार के होंगे ना वो वहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको मान लो 2-3 स्टार और बचते तो आपको रैंक अपग्रेड करना पड़ेगा उन मैक्स का, और देन जब आपके पास 10 स्टार हो जाएंगे आप टीयर थ्री पे चले जाओगे, और टीयर थ्री पे भी यही सेम प्रोसेस फिर से होगा। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपको टीयर थ्री में मैक्स और वेपन्स मिलेंगे ना उन्हीं के स्टार्स काउंट होंगे जब आपको टीयर फोर में जाना होगा, ठीक है। मतलब पुराने वाले स्टेज के अगर मैक्स और वेपन्स को आप अगर अपग्रेड करोगे तो वो नए वाले स्टेज पे काउंट नहीं होगे, आपको करंट वाले स्टेज मतलब करंट वाले टीयर जिस पे आप हो उसी को आप अपग्रेड करोगे तो आप नेक्स्ट टीयर पे जा पाओगे, समझ रहे हो ना। बस यही सा फंडा है। एंड टीयर वाला तो मैंने समझा दिया। अब बता दूँ कि अगर आपका क्वेश्चन है कि जितने भी मैक्स और वेपन्स है अभी तक गेम में वो सब आने वाले, तो यस गाइज जितने भी मैक्स एंड वेपन्स है वो सारे के सारे आने वाले ये नए वाले प्रोग्रेस सिस्टम में, बस ये टीयर वाइज डिवाइडेड हो गए। अब गाइज बात करते हैं कि फ्यूचर में जो मैक्स और वेपन्स आएंगे क्या वो भी इस प्रोग्रेस सिस्टम में ऐड होंगे या नहीं। तो यस गाइज वो भी ऐड होंगे, लेकिन पहले वो आएंगे क्रिएट रश में जहाँ पे वो करेंसी से परचेस करने को आएंगे रियल करेंसी से, फिर वो आएंगे प्रोग्रेस सिस्टम में जब आप ए कॉइंस या फिर क्रेडिट से उनको परचेस कर पाओगे। एक और बात गाइज कि आप क्रिएट्स में से इन फ्यूचर जो अपडेट आएगा उसमें आपको क्रिएट्स में से सिर्फ वही ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे जिस टीयर पे आप हो या फिर जिस टीयर को आपने अनलॉक कर लिया है, समझ रहे हो। एंड अगर आप जो प्लेयर जिन्होंने ऑलरेडी मैक्स और वेपन्स को अनलॉक कर रखा है ना उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लूप्रिंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और गाइज ये जो सारी बातें हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद प्लेरियम वालों ने अपने ऑफिशियल वीडियो में कहा है। और मेरे अकॉर्डिंग कि इस आने वाले अपडेट में प्रोग्रेस पाथ में हमको एक बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, एंड वो ये है कि मान लो आप जिस स्टेज में हो वहाँ के जो मैक्स और वेपन्स है उन्हें आप कभी अपग्रेड करना नहीं चाहते, लेकिन आपको मजबूरन उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा, उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर पर जाना है। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आपको करंट स्टेज के मैक्स और वेपन्स को अनलॉक करके अपग्रेड करना पड़ेगा जब तक आपका वो एम वो गोल जितने स्टार का आपको मिला है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये मेरे को डिसएडवांटेज सा लगा, आप लोग बताना आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। तो बस इतना ही था ये वाले अपडेट के बारे में, और कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसके रिलीज डेट की, तो जो मैक करीना ग्रेड अपग्रेड आया था ना गाइस जिसमें पैंथर और किलशॉट को एपिक बनाया गया था,
उसके कुछ मंथ्स बाद आएगा, इन लोगों ने ऐसा कहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आज भी आ सकता है, बट देखते हैं ये कब तक आएगा। बाय द वे गाइस, मैंने आपको पूरा अपडेट जो आने वाला है वो समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही अपडेट इन्फो वीडियोज मिलते रहेंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।